का शो ताल ठोके टीवी मीडिया के कुछ कुख्यात प्रोग्रामों में से एक है। ये प्रोग्राम झूठ और सांप्रदायिकता, सत्ताधारी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जाना जाता है। पहले इस शो को रोहित सरदाना करते थे, उनके आज तक चले जाने के बाद अब रूबिका लियाकत और अमन चोपड़ा होस्ट करते हैं। अमन चोपड़ा वही हैं जिन्हें गुजरात चुनाव के दौरान लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। तो इस प्रोग्राम को लेकर ताज़ा अपडेट ये है कि उत्तर भारत में पसंद किए जाने वाले इस शो को दक्षिण भारत ने नकार दिया है। जी हाँ, कर्नाटक में चुनाव है और जी न्यूज़ की टीम वहाँ पहुँच चुकी है। 27 अप्रैल का ताल ठोक के अमन चोपड़ा ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में लाइव किया। इस बड़े से पार्क में जी न्यूज़ के शो के लिए स्टेज बना था। स्टेज के सामने कुर्सियाँ लगी हुई थी। 100 कुर्सियाँ भी नहीं होंगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि इन 100 कुर्सियों में सिर्फ 40 कुर्सियों पर ही लोग नज़र आ रहे थे। जी न्यूज़ बड़े मीडिया संस्थानों का नाम सुनकर 100 लोग शाम के वक्त पार्क में इकट्ठा नहीं हुए, ये जी न्यूज़ के लिए बेहद शर्मनाक है। आखिर क्या वजह है कि बेंगलुरु जैसे क्षेत्र में जी न्यूज़ को देखने के लिए 100 लोग नहीं आए? भाषा एक कारण हो सकता है, लेकिन कर्नाटक के नए हिस्से बेंगलुरु में नहीं, लेकिन बेंगलुरु का एक बड़ा और विकसित शहर का एक हिस्सा है जहाँ के लोग अलग अलग कारणों से बसे हुए हैं, जिसमें हिंदी भी बोलने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।